फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 8142877400। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, शुक्रिया। बीआरएस सरबरा के चंद्रशेखर राव ने लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब का आगाज कर दिया। ताहाल 4 अरकान पार्लियामेंट को दोबारा उम्मीदवार बनाने इशारे दिए गए। मजीद 5 अरकान पार्लियामेंट को दोबारा उम्मीदवार बनाने पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। बाकी 8 हलकों के लिए ताकतवर उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही। आइंदा 15 दिन में इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी होने के इम्कान है। असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीआरएस क्यादत लोकसभा इंतखाबात में बेहतर मुजाहरा करके मायूस पार्टी के डर में नया हौसला पैदा करने की कोशिश कर रही। बीआरएस सरबरा व साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असम्बली इंतखाबात के नतीजे से अब तक पार्टी कायदीन को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए मुतहरिक रखा है। पहले बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर और साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना भवन में 17 लोकसभा हलकों के असम्बली हलकों के कायदीन का इजलास तलब करके पार्टी की शिकस्त का जायजा लिया। इसके अलावा जिन असम्बली हलकों में बीआरएस के अरकान असम्बली मुंतखब हुए हैं वहाँ पर इजहार तशक्कुर इजलास का इनेकाद भी किया। तेलंगाना के बजट सेशन में मजबूत अपोजिशन का किरदार निभाया। नलगुंडा जलसे के जरिए केसीआर आवाम के सामने आए। इस तरह पार्टी को मुतहदा रखने तमाम इकदाम किए गए। इसके साथ ही लोकसभा इंतखाबात पर खसूसी तवज्जो दी जा रही। बीआरएस सरबरा बड़ी हद तक सेहतियाब हो गए हैं। केटीआर हरीश राव के अलावा पार्टी के दूसरे सीनियर कायदीन को शख्सी तौर पर तलब करके या टेलीफोन पर तबादला ख्याल करते वे मुस्तकबिल के सियासी हिकमत अमली तैयार कर रहे। पार्टी के इजलासों के जरिए हल्के लोकसभा खम्मम से नामा नागेश्वर राव, हल्के लोकसभा चवेल्ला से रंजीत रेड्डी और हल्के लोकसभा जहीराबाद बीबी पाटिल को दोबारा उम्मीदवार बनाने के इशारे दिए गए हैं। तेलंगाना में चारशुंबा 28 फरवरी से इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज हो रहा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इम्तिहानात मुनक्किद हो रहे। इंटरमीडिएट साले अव्वल और साले दुअम को मिलाकर मजमूई तौर पर 9,80,978 तलबा इस इम्तिहान में शिरकत कर रहे। इम्तिहान को शफाफ अंदाज में मुनक्किद करने के लिए 1,521 चीफ सुप्रिंटेंडेंट्स, 27,900 निगरानकार, 75 फ्लाइंग स्कॉट्स और 200 स्टिंग स्कॉट्स कायम किए गए हैं। उम्मीदवारों को वक्त से पहले इम्तिहानी मरकज पहुंचने की जरूरत, 1 मिनट की ताखिर पर इम्तिहान में शिरकत की इजाजत नहीं रहेगी। इम्तिहानी मरकज में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक अशिया या दूसरी किसी चीज को भी साथ रखने की इजाजत नहीं। हर इम्तिहानी मरकज में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और तलबा के लिए पीने के पानी की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा हर इम्तिहानी मरकज में तिब्बी अमले को भी दस्तियाब रखा गया है। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने के फैसले से हज़ारों मुस्तक अकलीती तलबा की तालीम मुतासर होने का इम्कान है। मोदी हुकूमत जो तमाम तबकात की यकसां तरक्की और हुकूमत की स्कीमात में मुनासिब हिस्सेदारी का दावा करती है, लेकिन मोदी हुकूमत के इस फैसले ने दोहरे मियारात को बेनकाब कर दिया। सबका साथ सबका विकास का नारा महज कागजी बनकर रह गया। अकलीती तलबा को स्कॉलरशिप और दीगर सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन अहम रोल अदा कर रहा था। मुसलमानों के गरीब और मुतवस्सित तबकात को तालीम से महरूम करने की साजिश के तहत यह फैसला किया गया। मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियों से मुतल्लिक अकलियतों के इदारों में मरकजी हुकूमत के फैसले पर अफसोस जाहिर किया है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को वजारत अकलियती उमूर की जानिब से बजट फराहम किया जाता था। वजारत अकलियती बहबूद के वजीर फाउंडेशन के बाएतबार ओहदे सदर हुआ करते थे। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट
1960 के तहत 6 जुलाई 1989 को फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन अमल में आया था। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन अकलियती तलबा के लिए उम्मीद की एक किरण थी। वजारत अकलियती उमूर के अंडर सेक्रेटरी धीरज कुमार ने 7 फरवरी को कोई जायज़ वजूहात बयान किए बगैर ही फाउंडेशन ख़त्म करने का फैसला सादर किया था। मुल्क की जदोजहद आज़ादी में नुमाया रोल अदा करने वाले मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मौसम फाउंडेशन के जरिए अकलियती तलबा की मदद की जा रही थी। मुल्क में आला तालीमी इदारों के क्याम का सहरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सर जाता है। बताया जाता है कि फाउंडेशन के जरिए कई अकलियती इदारों की मदद की जा रही थी और मुस्लिम स्कूलों के ताउन के जरिए अकलियतों को तालीम से वाबस्ता किया जा रहा। शहर में एक खातून भिखारी के पास से 45,000 का फोन देखकर मुलाजमीन पुलिस हैरतजदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक ऑपरेशन मुस्कान और इस्माइल के तहत पुलिस ने बंजारा हिल्स जुबली हिल्स के बाद मुकामात पर धावे किए और भीख मांगने वाले 15 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें खवातीन भी शामिल थी। पुलिस जब उनकी तफसीलात हासिल कर रही थी तो एक भिखारी खातून के हाथ में उन्हें 45,000 रुपये का स्मार्टफोन नजर आया। खातून से पूछा गया कि इतना महंगा फोन उसके पास कैसे आया, तो खातून ने जवाब दिया कि उसने ये फोन खरीदा है। पुलिस मुलाजमीन इसका जवाब सुनकर हैरत ज़दा रह गए। पुलिस ने उन तमाम को बादजा बाज आबादकारी मरकज मुंतकल कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने अहले अफराद के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम को नाफिज करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों में से एक है। हुकूमत पहले ही वाजे कर चुकी है कि ये स्कीम सिर्फ उन अफराद पर लागू होगी जिनके पास राशन कार्ड है। रियासत भर में 1,20,00,000 गैस कनेक्शन है। राशन कार्ड वाले मकानात की तादाद 90,99,000 है। अवामी हुक्मरान के प्रोग्राम में दरख्वास्त देने वाले राशन कार्ड होल्डर्स को 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। सरकारी हुक्म में हुकूमत ने कहा है कि वो गैस कंपनियों को महाना सब्सिडी अदा करेगी। गैस कंपनियां सब्सिडी की रकम मुस्तहक अफराद के बैंक खातों में मुंतकिल करेंगी। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि गैस कनेक्शन खातून के नाम पर होना चाहिए। सिलेंडर पिछले 3 सालों के इस्तेमाल की बुनियाद पर दिया जाएगा। सिलेंडर की पूरी कीमत पेशगी अदा करनी होगी, जिसमें से 500 रुपये फी सिलेंडर अदा किए जाएंगे और बाकी रकम इस्तेफादा कुनिंदगान के अकाउंट में जमा कराई जाएगी। रियासत में उज्ज्वला गैस कनेक्शन के 11,58,000 इस्तेफादा कुनिंदगान हैं। ये तमाम महालक्ष्मी स्कीम के तहत आएंगे। नाजरीन, आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि बाज़ औक़ात बच्चे खेलते हुए कुछ चीज़ों में फंस जाते हैं जो बाज़ औक़ात उनकी जान के लिए ख़तरा बन जाती है। कभी कुछ चीज़ें से खेलते हैं और कभी पत्थर या सिक्के। अक्सर जब ऐसे मामलात सामने आते हैं तो हम चौंक जाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर ये कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई बालिग हो जो जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। हाल ही में एक ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि एक 26 साल लड़के ने अपने जिस्म में जिंक की मकदार बढ़ाने के लिए 39 सिक्के और 37 मकनातीस के टुकड़े निगल लिए। दरअसल हाल ही में दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में एक 26 साल मरीज का अजीब मामला सामने आया। बताया जा रहा कि अस्पताल में सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने मरीज के पेट से एक या दो नहीं बल्कि 39 सिक्के और 37 मकनातीस के टुकड़े निकाले हैं। बताया जा रहा है कि यह शख्स जिस्म में जिंक की मकदार बढ़ाने के लिए कुछ दिनों से ऐसा कर रहा था। मरीज के लवाकिन के मुताबिक वो मुबैना तौर पर जहनी मरीज है और उसे सिक्के खाने की आदत है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 20 दिनों से मरीज को बार बार उल्टियां और पेट में दर्द हो रहा था, जिसके बाद एक दिन मरीज के लवाकिन उसे इलाज के लिए सर गंगा राम अस्पताल ले गए, जहां उसका मुआयना किया गया। मैदे की काफी छानबीन के बाद सिक्के और मैग्नेट मिले। अस्पताल के लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर तरुण मित्तल ने बताया कि एक्सरे में सिक्के जैसी चीजें देखी गई, जिसके बाद मरीज के मैदे का सीटी स्कैन किया गया, जिसमें सिक्कों और मैग्नेट की वजह से आंत में रुकावट जाहिर हुई। यही वजह थी कि डॉक्टरों ने फौरी तौर पर सर्जरी करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि सर्जरी के दौरान छोटी आंत में 2 मुख्तलिफ लोब्स में मैग्नेट और सिक्के मिले थे। मरीज के पेट से 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 39 सिक्के मिले। यही नहीं, मकनातीस के 37 टुकड़े भी सर्जरी की मदद से निकाले गए। मरीज को 7 दिन के इलाज के बाद अस्पताल से रुख्सत दे दी गई।
हिंदुस्तान की पसंदीदा एयरलाइन इंडिगो ने हैदराबाद और बैंकॉक के दरमियान रोजाना बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया। एयरलाइन ने यहां एक रिलीज में कहा कि इस नए रूट के आगाज के साथ इंडिगो हिंदुस्तान की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने हिंदुस्तान के तारीखी शहर हैदराबाद और थाईलैंड के दारुलहुकूमत बैंकॉक के दरमियान बराह रास्त राबता शुरू किया है। इसके अलावा ये परवाजें बगैर किसी रुकावट के सफर का तजुर्बा फराहम करेंगी और जनूब मशरक एशिया में मुसाफिरों की रसाई में इजाफा करेंगी और ममालिक के दरमियान इकतसादी तालुकात को मजबूत बनाएंगी। इंडिगो अब हिंदुस्तान और थाईलैंड के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान 37 हफ्तावार परवाजें चलाता है। इस मौके पर खिताब करते हुए इंडिगो के ग्लोबल सेल्स के सरबराह विनय मल्होत्रा ने कहा, इन परवाजों के शामिल होने के साथ हैदराबाद छठवां हिंदुस्तानी शहर बन गया जो इंडिगो पर बैंकॉक से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। कंपनी के जारी करदा एक बयान के मुताबिक पिछले साल इंडिगो ने हैदराबाद को 6 नए बैनुल अक्वामी शहरों से जोड़ा जिससे एयरलाइन के बैनुल अक्वामी मुकामात की कुल तदाद 13 हो गई। हिंदुस्तान के मारूफ कैरियर के तौर पर रहम अपने वसी 6E नेटवर्क पर सस्ती बरवक्त शाइस्ता और परेशानी से पाक सफरी तजुर्बात फराहम करने के अपने वादे को पूरा करते रहते हैं। बैंकॉक एक मुतहरिक शहर है, अमीर सकाफती विरसा, मजीद मजेदार खाना और मुतहरिक रात की जिंदगी इस खसूसियात में शामिल है। इसी वक्त हैदराबाद जिसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है, चार मीनार अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की तालीमी साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को के एशिया पैसिफिक हेरिटेज साइट, चौमेला महल और सालार जंग म्यूजियम जो दुनिया के सबसे बड़े निजी म्यूजियमों में से एक है इसके लिए मशहूर है। शहरियत तरमीमी कानून CAA मार्च के पहले हफ्ते से नाफिज हो जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक CAA क़वानीन को अगले महीने के पहले हफ्ते में लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक CAA के क़वानीन मार्च के पहले हफ्ते या उसके बाद किसी भी दिन लागू होंगे। इन क़वानीन के निफाज के साथ ही CAA कानून नाफिज हो जाएगा। हुकूमत के आला ज़राए ने बताया कि CAA को लागू करने के लिए एक मुनासिब पोर्टल तैयार किया गया है। CAA कानून यानी शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 तीन पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की उन अकलियतों को हिंदुस्तानी शहरियत देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने तवील अरसे से हिंदुस्तान में पनाह ले रखी है। इस कानून में किसी भी हिंदुस्तानी की शहरियत छीनने का कोई बंदोबस्त नहीं है, ख्वाह इसका मजहब कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सख्त मौकफ अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी करने पर पतंजलि और कंपनी के MD बालकृष्णा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने समाअत के दौरान कहा कि अहकाम के बावजूद इश्तिहारात शाये करना बिल्कुल ठीक नहीं। नवम्बर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के इश्तिहारात और उसके मालिक बाबा रामदेव के बयान पर एतराज करने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की दरख्वास्त पर सख्ती दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आयुष की वजारत से सवाल किया कि इस मामले में अब तक क्या कदम उठाया गया। ये यानी कि पतंजलि आयुर्वेद का इश्तिहार बहुत संगीन मसला है, हम अब से पतंजलि के इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मरकजी हुकूमत आंखें बंद करके बैठी है, ये बहुत बदकिस्मती की बात है। अदालत ने कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ इकदाम करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के डायरेक्टर को तवज्जो दिलाई और वजह बतौर नोटिस जारी किया और कहा कि के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को अपनी दवाइयों के इश्तिहारात फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। अदालत ने पतंजलि को इसकी तैयार करदा और मार्केटिंग की जाने वाली मसनूआत की तशहीर से रोक दिया है जो दमा, ज़ियाबतीस, मोटापा और इसी तरह की बीमारियों के इलाज का दावा करती है। इस तरह के इश्तिहारात से पूरे मुल्क को गुमराह किया जा रहा, यह बदकिस्मती है। हुकूमत को इस मामले में फौरी एक्शन लेना चाहिए। पतंजलि ने फौरी तौर पर अपनी दवाइयों की तशहीर बंद करने का हुक्म दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजाद 100% लाभम गारंटी तो पाटू। కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజామ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కారణాలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।